IBN9, मैं श्वेता। संस्था यंग इंडिया क्लब जिंसी द्वारा आयोजित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को दूध से नहलाया गया और मानव श्रृंखला बनाई गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों खेल जगत के योद्धाओं का सम्मान किया गया। यह आयोजन सोमवार को सुबह किला मैदान चौराहे VIP रोड पर मानव श्रृंखला शहीदों के परिजनों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य यह है कि हर आदमी के मन में वो रहे कि एक महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो अपने देश के लिए लड़ी, जैसे हर आदमी अपने देश के लिए लड़े। इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में चल रहे जादूगर आनंद जी का शो लगातार हाउसफुल चला। जादूगर आनंद ने लोगों को भरपूर मनोरंजन किया एवं जादूगर आनंद को वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का भी खिताब मिला। आनंद जादूगर का सभी संस्थाओं ने भी स्वागत किया। वहीं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा अरोरा जी एवं जगदीश जाम्बेकर व साथियों ने जादूगर आनंद का साल सिफल से सम्मान किया गया व पुष्प गुलदस्ता भी भेंट किया गया। रविवार को अंतिम शो किया आनंद जादूगर ने रविवार को अंतिम शो किया आनंद जादूगर ने कहा कि मैं इंदौर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धन्यवाद के लिए मेरे पास ना तो शब्द है ना ही भाव। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्यार दुलार व अपनेपन का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ। ये वो चीज होती है जो पर्दे के पीछे नहीं होती, जो लाइव होती है। ये चीज वाकई काबिल तारीफ है आनंद जादूगर जी की। अभी उन्हें परसों ही नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, उसके उपस्थिति में हमने सम्मान किया, स्वागत सत्कार। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि उनका एक मंच के माध्यम से हम सार्वजनिक रूप में उनका स्वागत करेंगे और पूरा जनता के बीच में इस प्रकार के जो लोग जिस प्रकार से जादू दिखाते हैं, पर वो जादू एक अफवाह होती है, पर ये जादू एक वास्तविक है जो आपकी आंखों के सामने दिखाई जाती है। पिछले दिनों ग्राम पंचायत अम्बा से भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। ग्राम पंचायत अम्बा में वर्ष 2016-17 में ग्रामीण हितग्राहियों को कपिलधारा योजना अंतर्गत कूप निर्माण का लाभ मिला था। हितग्राहियों ने कर्ज लेकर कूप निर्माण तो करवा लिए, लेकिन अभी तक हितग्राहियों को कूप निर्माण की राशि बराबर नहीं मिली। जब हितग्राही कूप निर्माण की राशि लेने बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनकी अधिकांश राशि निकल चुकी है। जब हितग्राहियों ने राशि निकलने के बाद ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को बताई तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे। ग्राम पंचायत अम्बा में कुछ हितग्राही ऐसे भी जिनके खेतों में फार्म पोर्ट बने ही नहीं और राशि निकल चुकी है, और जिनके खेतों में फार्म पोर्ट बने हुए उनको 3 वर्ष हो चुके हैं मगर उनके हक की राशि नहीं मिल रही। हितग्राही अपनी समस्याएं लेकर 2 बार जन सुनवाई में भी कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर जा चुके हैं मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला। हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही। मतलब इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना है कि राशि निकल चुकी है, तो किस प्रकार से राशि निकल चुकी है? तो उनके बैंक खाते में नहीं, वो लोग मना करके हमारे खाते में अभी तक राशि नहीं आई, तो उसके जवाबदार अपन थोड़ी रहे। 1 साल हो गया। इसके अभी तक आपको कितनी राशि मिली? 15,000। और बैंक से कितने पैसे निकल गए हैं? बैंक से 70,000। ये 70,000 रुपये किसने निकाले? सरपंच सचिव निकालेगा। और अभी तक आपने जो कुआ बना तो फिर अपने पैसा कहाँ से लाके लगा यहाँ पर? यह मजदूरी करके लगाए पर खेती गिरवा रखे। देपालपुर नगर की बेटी सुरभि देवमुथा ने ली दीक्षा। सुरभि देवमुथा ने बताया कि देपालपुर का सौभाग्य है कि अब तक 35 बेटियों ने दीक्षा ली है, मेरे सही 36वीं दीक्षा हो गई है। गजराज पर विराज कर नगर में भगवान महावीर के साथ निकला वर्षीदान वरघोड़ा। इन दिनों देपालपुर क्षेत्र में देपालपुर से केसूर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते ठेकेदार की मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है। यहां ठेकेदार सरकार और जनता को चूना लगाने में लगे हुए हैं। देपालपुर से केसूर तक सीमेंट कंक्रीट होना है, जिसे लेकर अभी रोड की खुदाई चल रही है, जिसमें भराव में मुरम डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदारों की मनमानी के चलते मुरम की जगह काली मिट्टी डाली जा रही है, जो कि गलत है, जिससे क्षेत्र के लोग वहाँ आसपास के ग्रामीण जन परेशान व नाराज भी हैं। मुरम की जगह काली मिट्टी डाले, मिट्टी डाल दी। अच्छा, मुरम की जगह मिट्टी की जगह मिट्टी डाल, उसमें भी कोई ना जाने सब मिले जुले हुए अधिकारी उनका मिल चुके काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई लेट पड़ नहीं।
खातेगांव में गत 24 मई 2018 को ग्राम धनियाखेड़ी से एक नाबालिग लड़की को अगवा कर ले गए चार पांच युवकों की परिजनों के द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी घटना के 24 दिन के अंतराल में भी युवती का कोई सुराग नहीं लगा। इस घटनाक्रम को देखते हुए नाबालिग युवती काजल की माता पिता एवं छोटे भाई बहन को रो रो का बुरा हाल है। परिजन एवं आप पार्टी के लगाए प्रशासन के भेदभाव के आरोप। 24 घंटे में लड़की नहीं मिली तो SDM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा हरण गांव द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा सप्ताह शाखा परिसर में मनाया गया। सतर्कता एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर विशेष ग्राहक दिवस का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी में सब इंस्पेक्टर पवन कुमरे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत कर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। डिंडोरी के अंडई गांव में खरमेर नदी का प्रस्तावित बांध के विरोध में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी, जय रेवाखंड के प्रदेश अध्यक्ष आशीष त्रिवेदी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष गंगा सिंह पट्टा ने किसानों से जनसंवाद किया। इस अवसर पर बांध निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों ने रोते हुए अपना दुख प्रकट किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी ने कहा कि प्रस्तावित बांध के विरोध में किसानों का दर्द सुनकर उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव थाने में थाना प्रभारी तहजीब नाबालिग लड़की के मामले में ही हो, चोरी के मामले में हो या फिर किसी भी प्रकार की वारदात की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी तहजीब काजी अपराध की रोकथाम हेतु सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम है कि खातेगांव पुलिस को लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। गत दिनों नाबालिग लड़की को बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया और जैसे ही पिकअप चोरी का मामला उनके प्रकाश में आया तो उन्होंने सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया। नगर के पुरानी डिंडोरी के वार्ड क्रमांक 11 में मुख्य मार्ग तिराहे पर चारों ओर नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। मुख्य मार्ग होने के कारण रोज यहां दिन भर भीड़भाड़ लगी रहती है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाने से स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों के अनुसार जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। आते जाते अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों का यहाँ रोज आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कभी आपने शिकायत की नगर पालिका? देखने वाले को नगर उपाध्याय कलेक्टर घूमते रहते हैं, सामने देखते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आती शिकायत करने की जरूरत क्या है। शाहपुरा के सलैया ग्राम पंचायत अंतर्गत देवझीर गांव में जान जोखिम में डालकर बच्चे व महिलाएं 25 फीट गहरे कुएं में उतर पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो इलाका है यह मध्य प्रदेश शासन के खाद्य व नागरिक आपूर्ति व श्रम मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे का है, जहां पर ग्रामीणों को पानी के लिए दिन रात मशक्कत करना पड़ता है। पानी की एक एक बूंद को मोहताज ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि अगर उन्हें सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई तो आगामी चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेंगे। चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। लेकिन हमारा कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है। टैंकर की व्यवस्था के लिए बोले, टैंकर की व्यवस्था हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। कहना चाहिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IBN9।